मारी इधर ही रहता था, एकदम पक्की खबर थी भाई। वो खास वाले के पास गया था मगर उसकी डॉगी की तरह पिटाई की उसने, लेकिन माफी नहीं मांगी। चलता हूँ सर। होल्ड इट, बहुत जल्दी है। तेरे बेटे ने मेरे बेटे का स्कूल में वट कम कर दिया। एक काम कर, कल सुबह मेरा बेटा पूरे स्कूल के सामने तेरा बेटे का हाथ टांग तोड़ेगा। घबरा मत, हॉस्पिटल का बिल जीएसटी के साथ माई देगा। गोविंद एडवांस दे दे। अरे रिक्शा, तू बहुत लकी है कि सेठ तेरे को मल्लम पट्टी का पैसा दे रहा है। कल तेरे बेटे का हाथ पर तोड़ देगा। सोचता क्या है, रख ले। बेटा खजांची, तेरी इस हरकत ने मुरझाए हुए पेड़ में पानी डाल दिया है। हाँ? क्या बोल रहे तू? ए कबूतरों, बरसों से म्यान में रखी हुई तलवार में भले ही जंग लग जाए, लेकिन अगर उस तलवार का वार शिकार पर पड़ जाए तो वो काट डालती है। भी किसी का हुलिया देख के उसकी औकात का अंदाजा नहीं लगाने का, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत खतरनाक होता है, हुलिया ही बदल डालता है। कल से अगर तू और तेरा छोकरा शहर में दिखाई दिए तो मैं बिल्कुल भी दया माया नहीं दिखाऊंगा, फाड़ डालूंगा। एक ऑटो आ रहा है, तुम लोग तैयार हो जाओ, शिकार उसी के अंदर है। ए, सब लोग तैयार हो जाओ रे, शिकार ऑटो में आ रहा है। असली औकात पे आ गया, अब दुश्मनी करने का मजा आएगा। दम नहीं है, खोखला हो गया तू, तेरी आंखों में डर दिख रहा है। तो तू है विटनेस। इन्फॉर्मर कौन है वो हमको पता है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए तुझे मारी तक पहुंचना पड़ेगा। और तेरे किराए के टट्टू मारी की मुझका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते। विटनेस को लाने से डर गया क्या? तूने अपन को एक चांस दिया था,
और आज अपन तेरे को खैरत में एक चांस देता है। आज तक तूने न जाने कितने बेगुनाह लोगों को फोकट में टपकाया है। इसकी भरपाई करने के लिए किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाके अपनी नाक कान गुर्दा कलेजा फेफड़ा सब कुछ डोनेट कर डाल, नहीं तो काट डालूंगा। तू मुझे चांस देगा? आज ये केस ऐसे क्लोज होगा जैसे कभी ओपन ही नहीं हुआ था। विटनेस कोर्ट में गवाही नहीं देगा लेकिन भगवान के पास जरूर देगा, और उसके बाद नंबर आएगा तेरे बेटे। तोड़ ले, मारना, हटना। इतने बरसों में तुम हमको नहीं ना पहचाने। आई एम अ वेरी वेरी बैड मैन। इफ यू आर बैड, आई एम योर डैड। अरे हाँ।